हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं GPPL की, जिसका नाम है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। तो मेरे पास कमेंट आए हुए थे, प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। बट इससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मेरे पास ये शेयर है, ओके, एज़ वेल एज़ मैंने ये शेयर काफ़ी लोगों को बता रखा है, तो इसलिए बाइंग करने से पहले 100 बार सोचिएगा। हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ और मुझे प्रॉफिट मिले तो मैं यहाँ पर निकल भी जाऊँ, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपने हिसाब से यहाँ पर आपको काम करना है। किसी के कहने पर, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर नहीं लेना, खुद की स्टडी करना है। और उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले हमारे चैनल पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, आपको मिले, है ना, आप यहाँ पर सीख सके। सीखने के लिए क्या है, वीडियोज़ है, जितना वीडियोज़ देखोगे उतना आपको चीज़ें समझ में आएगी, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें काम करती हुई नज़र आती है, ठीक है। दूसरी बात, आपको सीखना है, आप सीरियस है, तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस हम यहाँ पर कोर्स सिखाते हैं। टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, स्टेज 1, 2, 3, 4 क्या होती है, 8860540501, 8169261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए। साथ में यहाँ पर काम करना चाहते हो तो भी इन नंबरों पर कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, कॉल कर, यहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा। और कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले लीजिए, साथ में काम करना है तो भी। तो GPPL की हम बातें कर रहे हैं, क्या है ये GPPL, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अभी बजट हुआ था, तो बजट में भी आप देखोगे तो पोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई थी, ठीक है ना। तो गुजरात पीपावाव पोर्ट इज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट, लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात नियर भावनगर, ठीक है। तो ये गुजरात पीपावाव पोर्ट है ये, और इंडियाज़ का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है। एज़ वेल एज़ बात करेंगे तो ये गुजरात में यहाँ पर स्थित, भावनगर में स्थित है। यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्टली जो ट्रेड होता है ना, मैरीटाइम ट्रेड रूट विच कनेक्टेड इंडिया विद US, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट ऑन वन साइड एंड फार ईस्ट ऑन द अदर साइड। तो हम बात करें मोस्टली चीज़ें इसी पोर्ट पे यहाँ पर उतरती हैं। वैसे तो बहुत सारे पोर्ट और भी अलग अलग प्लेसेस पे आपको मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, कोची में मिलेगा, ठीक है, अलग अलग जगह पर मिलेगा, बट इस पोर्ट की जो गुजरात जो रिच है ना कहीं वो पुराने ज़माने से ही है। वो इसके पीछे का रीज़न यही है कि उनके पास पोर्ट है, वो एक तरीके का ट्रेड मार्क है ना। यहाँ पर जो जो ट्रेड करने के लिए जो एक पर्टिकुलर पाथ होता है ना, वो पाथ यहाँ पर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए गुजरात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिच भी बनता हुआ नज़र आता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान में देखना है। यहाँ पर देखेंगे लेवरेज द नेटवर्क कल्चर एंड रिसोर्सिस पेरेंट्स, मक्स लाइन्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर अकाउंटिंग ऑफ 23% ऑफ द रेवेन्यू। तो हम बात करें जो मक्स यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, जो पोर्ट से रिलेटेड मतलब कंटेनर वगैरह भी आते हैं, इसके बड़ी कंपनी है, तो उसका जो 23% का काम है ना, वो इन्हीं के साथ में यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। तो अच्छी खासी कंपनी है, जाओगे यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए तो आपको एक आइडिया लगता हुआ नज़र आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, क्या यहाँ पर कंपनी के सब चीज़ है, वो यहाँ पर आपको आइडिया लगता हुआ नज़र आएगा। तो जाइए, देखिए, समझिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्केट कैप की बात कर रहे हैं तो 11,057 करोड़, तो स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे चैनल का नाम स्मॉल कैप है, मीन्स हमारी एक्सपर्टीज़ इसमें है। दूसरी, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो सही टाइम पर लेना और सही टाइम पर बेचना वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब शेयर यहाँ पर पता चले आपने ऐसे जगह पर ले लिया कि शेयर वहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है और आपके पैसे आधे आधे से भी कम हो गए, और जब भागेगा तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके रिटर्न भी बनते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या, वो हम यहाँ पर और ज़्यादा तरीके समझेंगे। बात करें PE की तो 27 के PE पे है। इंडस्ट्री के PE की बात करें तो इंडस्ट्री का PE 31 का है, तो कहीं ना कहीं सस्ता नज़र आता है। बट स्टिल याद रखिएगा, PE के बेस पर कभी काम नहीं करते, मैं हमेशा शुरू से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है, और हमेशा बोलूँगा कि PE के बेस पर काम नहीं करते, PE जस्ट अमित। ROC ROE देखोगे तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ पर ROC ROE के बेस पर भी आपको काम नहीं करना, आपको देखना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके बेस पर यहाँ पर काम करोगे तो पैसे हमेशा बनेंगे। यहाँ पर बात करें डेट की, डेट फ्री शेयर है, ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है ना। यहाँ पर आप देखोगे और चीज़ें, तो फेस वैल्यू 10 की है, आगे चल के यहाँ पर स्प्लिट भी हो सकता है। 251 का इसने अभी फिलहाल की डेट में ही हाई लगाते हुए नज़र आया था, वो एक ऑल टाइम हाई भी था, एज वेल एज बात करें 52 वीक हाई भी वो ही था। आगे बढ़ते, किसी तरीके की प्राइसिंग नहीं है, और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देखेंगे धीरे 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 करके बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूँगा बट स्टिल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पर पिछले 12 क्वार्टर में भी देखोगे तो ठीक ठाक अच्छा खासा प्रदर्शन इसका है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 110 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट है जो कि अच्छा खासा है। यहाँ पर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का एक्सपेंस कम ही हमेशा होता हुआ नज़र आता है और कंपनी को अच्छा खासा हमेशा सेल्स में यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ अच्छा खासा नज़र आता है। अदर दूसरी कंपनी से काफ़ी बेहतरीन कंपनी यहाँ पर नज़र आती है, और यहाँ पर आप देखो तो 61% का मार्जिन है जो कि हाईएस्ट एवर पिछले 2 क्वार्टर से देता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। सेल्स की बात करें ईयरली बेस पे तो यहाँ पर एज सच कुछ यहाँ पर खास नहीं हुआ है बट स्टिल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और भारत को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करेंगे, ठीक है, भारत एक अलग ही जोन में जाएगा, तब तो कहीं ना कहीं ये जो शेयर है ये शेयर अपना काम करते हुए नज़र आएंगे। एक काम यहाँ पर जो इनकी सेल्स है रेवेन्यू है वो सब चीज़ अच्छे खासे तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बट ये आगे की बात है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। बात करें कंपनी की नेट प्रॉफिट की तो अच्छा खासा हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट चल रहा है। रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, 1800 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग है 79 करोड़ की जो कि ना के बराबर ही है। 81 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, एज वेल एज 321 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें तो 1000 करोड़ रुपये का कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है। पॉजिटिव कैश फ्लोज हमेशा कंपनी के पास रहते हैं। 44.01% के होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है जो कि APM है, टर्मिनम मॉरिशस लिमिटेड है। FIs की बात करें, FIs यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं 18.53% की, और इस क्वार्टर में थोड़ा सा पॉइंट कुछ परसेंट की हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIs की बात करें, DIs अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं 17% के आसपास की। HDFC के पास अच्छी खासी शेयर है। पब्लिक की बात करें 20% के शेयर यहाँ पर नज़र आते हैं पर यहाँ पर पब्लिक के पास। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि फरवरी में काफ़ी यहाँ पर शेयरों को बेचा गया है किसके थ्रू, ICICI प्रूडेंशियल्स के थ्रू यहाँ पर बेचा गया है। एज वेल एज यहाँ पर आप देखोगे तो एशिया स्पेसिफिक फंड ने भी बेचा है, मैथ्यू एशिया यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर फरवरी में अच्छा खासे यहाँ पर इनके थ्रू बेचा गया है, ठीक है, ICICI के थ्रू। थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चलता रहता है बेचना खरीदना, ठीक है, ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो 29 जुलाई को प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 25,34,990 शेयर 232 रुपये के भाव पे खरीदे, और इसी भाव के आसपास आज भी शेयर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने भी 24 लाख शेयर यहाँ पर 138 के भाव पे खरीदे, वहाँ से तो ऊपर चला गया है बट स्टिल अभी भी शेयर उसी भाव पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ खास परफॉर्म करके दिखाया नहीं है बट अभी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकती है। अब हम चार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ों को सीखने पे फोकस करना है। कोर्स करना चाहते हो तो कोर्स कर लीजिए, 25,000 रुपीज़ का कोर्स है, बड़ा सस्ता कोर्स है, 1-to-1 क्लासेज होगी, काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। बाकी साथ में काम करना है तो साथ में काम आप हमारे इन्हीं नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम इसके चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं। देखिए मैं अभी बात कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था कोर्स से रिलेटेड तो यहाँ पर स्टेज 1, 2, 3 की मैं बातें कर रहा था, 4 की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टेज 2 में चल रहा है और स्टेज 2 में ही पैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता बट कभी क्लास में ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं कि क्या बात कर रहा हूँ, बट स्टिल अभी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई अभी लेना चाहता है तो मैं कहूँगा कि रुकिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ये शेयर आ सकता है, ठीक है, 200 रुपीज़ तक या फिर 190 रुपीज़ तक ये शेयर का बनता है, यहाँ पर 184 रुपीज़ तक, तो यहाँ तक ये शेयर की एक रेंज है कि यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है, गिरेगा ये ज़रूरी नहीं है बट गिर सकता है, ये अपने दिमाग में साइकोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पर निभा के चलना है कि हाँ ये शेयर यहाँ तक गिर सकता है, और अगर ये यहाँ तक गिरता है तो आपको किस तरीके से काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब शेयर में जब अगर यहाँ पर आ जाए तो मस्ट बाई है, फिर तो आँख बंद करके यहाँ पर खरीदना ही है। बट हम बात करें जैसे ही ये शेयर 240 रुपये का लेवल को क्रॉस करेगा ना, इस शेयर में तेज़ी आएगी और वो शेयर यहाँ पर भागेगा। मैंने अभी एक वर्ड कह दिया था कि खरीदना ही है तो उसे इग्नोर करिएगा, वो आपकी मर्जी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी के बेसिस पर यहाँ पर खरीदिएगा। बाकी हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इस शेयर में एक ब्रेकआउट हुआ था 2018 का,
ठीक है ना, 2018 का नहीं, 2015 का ब्रेकआउट हुआ है। तो जब इस तरीके के लंबे ब्रेकआउट होते हैं ना, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 6 महीने 1 साल एटलीस्ट देना पड़ता है ताकि यहाँ पर पैसे बने। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर शेयर रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है अच्छा खासा, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। अभी मार्केट अच्छी खासी चल नहीं रही है, कभी ऊपर बढ़ती है कभी नीचे बढ़ती है, तो वही चल रहा है। तो उसके बेसिस पर जो टारगेट आ रहे हैं ना, वो टारगेट है हमारे 330 रुपये के। तो 330 का मतलब क्या है, 330 का सिंपल सा मतलब है कि अभी भी इस पर्टिकुलर रेंज से अगर मैं देखूं तो 43% की अपसाइड नज़र आती है, जो कि सिंपल है, ठीक है। और 43% रिटर्न 1 साल में मिलना, मतलब आप अच्छे खासे काम कर रहे हो, अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, ठीक है। तो 6 महीने 1 साल कम से कम देना होगा इस शेयर को, तभी जाके आपको वो मूवमेंट नज़र आएगी, तभी जाके आपके पैसे बनते हुए नज़र आएंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखने में फोकस करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिन्होंने ले रखा है उन्हें भी वेट करना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं ले रखा, ठीक है, वो यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करके यहाँ पर देख सकते हैं। देखें एक बार नीचे मिल जाता है तो और बेटर है, अदरवाइज़ यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से चीज़ें ऊपर जाएगी और ऊपर जाके पैसे बनाती हुई नजर आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।